नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। नहा धोकर आज मेरा पूजा हो चुका है, अभी मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं नाश्ता करूँगी। आज मौसी अंडा करी बनाई है, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ बनाया है। ये है मूंग की दाल और ये है छोटा मछली, जो बंगला में काच की मछ कहते हैं। ये दीदी बना रही है। पहले प्याज और आलू को बिल्कुल बारीकी से काट लिया है, अभी हरी मिर्च डाल रही हैं। अब खट्टाई के लिए थोड़ा सा टमाटर, हल्दी, अब थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल। अब इसको अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। प्याज को अच्छी तरह से मसल कर बिल्कुल सॉफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये वाला मछली बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर प्याज को सॉफ्ट नहीं करेंगे तो अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, मछली और प्याज अलग अलग रह जाएगा। ये दे रही है मछली, ये भी अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। कोई कोई इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च भी डालते हैं, ये ऑप्शनल है। अब कढ़ाई में दे रही है सरसों का तेल, गरम होने तक वेट करना पड़ेगा। मछली पकाते समय एक चीज बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि तेल बहुत ही गर्म होना चाहिए, नहीं तो कढ़ाई में लग जाता है और बिल्कुल खिचड़ी जैसा बन जाता है। अब ये जा रही है कढ़ाई में। कढ़ाई में देने के बाद धीमी आंच पे ये पकाना पड़ता है। अब ढक्कन से ढक लेंगे। जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तब तक पकाना पड़ता है। ये रहा अंडा करी और ये मछली कंप्लीट हो गया। खाना खाने के बाद दोपहर को रेस्ट लेके हम लोग चले गए मौसी की दुकान में। ये रहा मौसी की दुकान, वो आलू की चॉप बना रही है। वो बहुत किस्म के चॉप बनाती हैं, बैंगन की, मिर्च की, आलू की, ब्रेड की, और हर एक चीज़ इतना टेस्टी बनाती हैं कि उनका दुकान में हर समय भीड़ लगा रहता है। देखिए कितना भीड़ है, फिर भी मौसी बोल रही थी आज छठ पूजा है इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है। मौसी का दुकान है अंबिका नगर सिलीगुड़ी रोड नंबर 2 पे। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लाजवाब चॉप बनाती हैं वो। हम लोग उधर बैठ के खाए और ऊपर से आते समय उन्होंने पैक करके भी दे दिया, और पैसा नहीं लेना चाहते थे लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती पैसा दिया उनको। उनका बनाया हुआ पकौड़े, चॉप, आलू मटर की घुगनी का अलग अलग रेसिपी है जो बहुत ही खास बनाता है। आते समय हम लोग बाज़ार होके आए, बाज़ार से कुछ सब्जियां लेके आए। बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ।